ग्रहण कर चुका हूँ। भरी बारिश में इस प्रकृति को नमन करते हुए तमाम जनता जनार्दन भीगते हुए यहाँ पर आयु जनता जनार्दनों के लिए जोरदार ताली बजवा रहा था। आज तक बीजेपी कांग्रेस की रैलियों में अगर बारिश होती है तो सभी व्यक्ति उस बारिश को डर कर घर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रकृतिवादी लोग हैं जिन्होंने आशीर्वाद समझ कर उसको ग्रहण किया और धूम मचा दिया, धूम मचा दिया। आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे बीच में आए गुमाने रतन पार्टी के सम्मान्य विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष समुद्रेश्वर मरकाम दादाजी का बहुत बहुत आभार, श्याम सिंह मरकाम दादाजी का आभार, सम्मानी अमन सिंह पोर्टे दादाजी का आभार, और गुरमाना किस क्रांति को जनता मुझे जन समर्थन देने आए, और भारत आदिवासी पार्टी के सम्मानीय पदाधिकारीगण यहाँ पर आए थे लेकिन किसी कारणवश बीच में उन्हें जाना पड़ा, उनको भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और उनसे ज्यादा उस जनता जनार्दन को आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने बड़ी बारिश में अपने काम धाम को एक तरफ छोड़ के इस अमरवाड़ा के अंदर आपने बता दिया कि अभी जिंदा लोग जिंदा है, अभी जिंदा लोग जिंदा है। मृतों की भीड़ आपने देखी होगी लेकिन यहाँ जिंदा लोगों की भीड़ है, और मुझे गर्व है कि मैं उन लोगों के बीच में आया हूँ जो जिंदा है। क्यों? मुर्दे लोगों ने पीला गमछा डालकर भाजपा और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, मुर्दे लोग घर पे बैठ के भाजपा और कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन कारण मनमोहन सा पट्टी जी के मिशन को पूरा करने वाले लोग, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन के पूरा करने वाले लोग आज मेरे साथ खड़े हैं, उनको मैं सादर नमन सेवा भाव करता हूँ। आज इस मंच से भाजपा कांग्रेस को भी बताना चाहता हूँ और उन नकली प्रत्याशियों को भी बताना चाहता हूँ जो मेरी वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। आज लोग पूछते थे बोल रावण मलावी तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, बोल रावण मलावी तुम्हारे पास गाड़ी कहां से आती है, बोल रावण मलावी तुम दो दो चुनाव के बाद तीसरे चुनाव कैसे लड़ते हो, तो सुन लो आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये अमरवाड़ा और मध्य प्रदेश के कोने कोने और देश के कोने कोने से पढ़ने लिखने वाले बच्चों से लेकर फटी कमीज पहनने वाले लोगों से लेकर तमाम लोगों ने देव रावण मलावी को एक एक अकेला देव रावण मलावी चुनाव नहीं लड़ रहा है, मेरे साथ वो हजारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनने मुझे एक एक रुपए दिया है। बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला एक के साथ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला उन हजारे लोगों के साथ है जो खुद मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहा हूं, उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा सामने। एक एक रुपये मुझे चुनाव में मिला, दिन रात कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं, इनकी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में मैंने पेट्रोल नहीं जलाया बीजेपी कांग्रेस की तरह, अरे इन्होंने अपने दाना पानी बेच के यहाँ पर आए चुनाव रैली। बीजेपी कांग्रेस की जो रैली है पूरे व्यापारी भाई बंधु और अमरवाड़े की तमाम जनता जनार्दन जानती है कि भाजपा और कांग्रेस के जो नेता है जो प्रत्याशी है वो पैसे से पब्लिक बुलाते हैं, एक एक पांच पांच सौ रुपए देकर लोगों को बुलाने का काम करते हैं। इसका बयान हमारे पास है, हमने बयान इसलिए नहीं डाला क्योंकि कुछ गरीब व्यक्ति हमारे भी लोग आए थे जिनके वीडियो थोड़े बदनाम होते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस की बुलाई हुई भीड़ से लाख गुनी ज्यादा अपने जेब से पैसे से पेट्रोल डाल के आई हुई है हमारी जनता। अरे इनके कार्यकर्ता पैसे देके बनाए जाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को दारू पैसा बांट के कार्यकर्ता बनाए जाते हैं, उनके बूथ एजेंट को पैसे देके बूथ एजेंट बनाते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, जिन लोगों ने चुनाव के लिए एक नाम के लिए मुझे खड़ा किया है, जो हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आज वो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बाकी जनता को बताना चाहता हूँ कि ना बूथ एजेंट के लिए हम पैसा देते, ना कार्यकर्ता बनाने के लिए हम पैसा देते, अरे हमारे पास तो झंडा लगाने के लिए पैसे नहीं है, जो पैसे थे फार्म भरे और दिन रात ही आपका भाई प्रचार प्रसार करके धमके के चोट में मुकाबला तगड़ा है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात कही जा रही है,
लेकिन त्रिकोणी नहीं, ये दो कोणी मुकाबला है, एक कोणी मुकाबला हो गया है। एक तरफ वो प्रत्याशी है जो खुद सदा कांग्रेस का नहीं हुआ, वो बीजेपी के सदा होके आप लोगों से वोट मांगने की बात कर रहा है। एक तरफ वो प्रत्याशी है जो दादा अचल को धाम के नाम पे वोट मांग रहा है। अगर हिम्मत होती, काबिलियत होती तो अपनी काबिलियत के नाम पे वोट मांग रहे होते, बिना पीला खमचा डाले वोट मांग रहे होते। काबिलियत नहीं है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के जो जितने प्रत्याशी घूम रहे हैं, ये मजबूर हो गए हैं पीला गमछा डाल के वोट मांगने में, क्योंकि गांव में भी इन्हें बिना गमछे के घुसने नहीं दिया जा रहा, इस चीज का प्रमाण है। अरे मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी से, बीजेपी कांग्रेस की जनता भली है, बीजेपी कांग्रेस की जनता ईमानदार है। इस बार दोनों प्रत्याशी छोड़ के बोल रहा हूँ, बलावी को वोट देने वाली अंदर की बात है। अंदर की बात है कि भाजपा कांग्रेस के कई सारे लोग भले ही घूम रहे हो बीजेपी कांग्रेस के लिए, भले ही उन्होंने बड़े बड़े पद धारण कर दिया हो, लेकिन गुपचाप में फोन लगा के मुझे कहते हैं कि भैया विश्वास कर या ना कर, मेरी वोट तेरे को जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत ले। धन्यवाद अदा करता हूँ और मैं ड्राइवर भाइयों को भी धन्यवाद अदा करता हूँ, कौन से ड्राइवर जो बीजेपी कांग्रेस की गाड़ियां चला रहे हैं, प्रचार गाड़ियां चला रहे हैं, उनके नेताओं को बता के घूम रहे हैं। अरे आपका प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन जो आपकी गाड़ियों में बैठा है वो ड्राइवर ये देवराम बना ले सकता है। अरे आप कितने गुपचुप बात कर लो, आप सब तरह ध्यान दे दोगे कि कोई विपक्षी सुन तो नहीं रहा है, लेकिन ड्राइवर तो हमारा है। तुम्हारी कहाँ दारू उतर रही है, कहाँ पैसा गिर रही है, कहाँ पैसा बांट रहे हैं, एक एक चीज का लिखा हमारे पास हमारे ड्राइवर भाई बंधुओं ने दिया है। और हम चाहे तो बीजेपी कांग्रेस का चुनाव लड़ना मुश्किल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भाजपा के जितने गुप्तचर हमारे बीच में नहीं है, उससे दो गुना गुप्तचर ये बनवाने के भाजपा कांग्रेस के बीच में प्रचार कर रहे हैं। अरे गाड़ियां भाजपा की है, पेट्रोल भाजपा का है, लेकिन प्रचार चार नंबर ब्लैक बोर्ड का हो रहा है। सर के अंदर की बात है, हमने राजनीति करना सीखे नहीं है, हमारे खून में राजनीति है। 1750 साल गढ़वाना की रियासतों ने इसी धरती में 1750 साल राज किया, हमारे खून में राजनीति है। हम ये भी बताना चाहते हैं उनको कि आपके जितने बड़े बड़े